अरेंज दी फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दार्टिकल्स वाटर शुगर ऑक्सीजन तो यहाँ पर तीन सब्सटेंस दिए गए हैं देट इज़ वाटर शुगर ऑक्सीजन इनको हमें इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इनक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है यहाँ पर शुगर क्या है सॉलिड है वॉटर लिक्विड है एंड ऑक्सीजन गैस है तो जो, जो सॉलिड होता है सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रॉगेस्ट होता है लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है ठीक है सॉलिड के कंपेरिजन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और जो गैस होता है गैस में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम कम होता है वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑक्सीजन एक गैस है तो ऑक्सीजन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है वाटर एक लिक्विड है तो जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है लेकिन जो शुगर है डैट इज़ सॉलिड इससे कम होता है देन शुगर की बात करें तो शुगर एक सॉलिड है और इन इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होता है सबसे ज़्यादा होता है जो यहाँ पर दिया गया है अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो शुगर में सबसे ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में कम होता है और ऑक्सीजन में सबसे कम होता है